हेलो एवरीवन, आई एम ब्रजेंद्र सिंह। वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक व्हील बनाएंगे अपनी क्रेन के लिए, ठीक है। हैंड ऑपरेटेड क्रेन बनाएंगे, उसके लिए हमें व्हील डिज़ाइन करना है। यहाँ से हम पार्ट लेंगे, एक बार आपको हम पार्ट नंबर देंगे। ठीक है, आप पार्ट नंबर देंगे, वो चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी यहाँ पे आ जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे हमें प्लेन सेलेक्ट करना है। प्रॉपर प्लेन के ऊपर ज़रूर बनाए, अदरवाइज आप कर्व प्लेन पर बनाओगे तो दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, डाया ले लिया हम, यहाँ से डाया लेंगे आपका 18। एग्जिट करेंगे, अब हम इसे पैड देंगे। ओके, ठीक है। हम यहाँ पे 50 mm का लेंगे। 50 mm का इसलिए लेंगे क्योंकि हमें इसको 40 mm की बार पे यूज़ करेंगे, प्लस 1 mm का मार्जिन और प्लस 5.5 mm की हम फ्लैंज बनाएंगे, ठीक है। ओके किया एंड ओके, इसको 11 क्लिक किया। हमने मिरर यूज़ किया था तो इसके लिए 51/2 करना, ठीक है। सेम सेंटर में लेंगे, ओके, आउटर लाइन लेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे ठीक है। सबसे पहले हमें ये चीज़ कंस्ट्रेंट का जरूर ध्यान रखें जब भी बनाते हैं। सो ये प्रोफेशनल बंदे इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। डिमेंशन डिज़ाइन के अंदर हमेशा डिमेंशन हमेशा कम से कम दें और ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रेंट का यूज़ करें, ठीक है। हम यहाँ पे ऑफसेट लेना है, आप यहाँ से भी ऑफसेट ले सकते हो, बट मैं यहाँ से ले रहा हूँ। हम 5 mm की प्लेंथ लेंगे तो 5 mm डाउन कर लेंगे इसको, ठीक है। जैसे आगे डिज़ाइन भी चेंज करने की जरूरत पड़ी, हम ऑटोमेटिकली इसको चेंज करते रहेंगे, ठीक है। इससे हमें ड्राॅइंग के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं, पार्ट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। प्रॉफिट करेंगे, यहाँ से मिरर करेंगे, ठीक है। हमारी बात कितनी की है, 42। 1 mm का हम मार्जिन लेंगे, 41 देन 41/2 क्योंकि हम मिरर कर रहे हैं। एंड अब हमने इसके अंदर 6006 नंबर का बैरिंग यूज़ करेंगे। स्केच, ओके, सेंटर से लेंगे, ठीक है। ये आपका फिक्स होगा, इसलिए हम इसको 25 डायमेंशन दे रहे हैं। स्केच, ओके, आपका डायरेक्ट कितने थिकनेस का होता है, 13 mm का, इसको कट करा देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें बैरिंग लॉक नहीं काटना है। बैरिंग लॉक हम बाद में करेंगे उसको, क्योंकि जहाँ पे हमारा बैरिंग फिट होगा हम वहाँ इसको बाहर से लॉक कर देंगे नेक्स्ट पूरी, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ से इसका ऑफसेट देना है। ये आपके अपर बॉडी के हिसाब से दे सकते हैं, 2 या 3 mm जितना आप देना चाहो, ठीक है। एग्जिट करो, ओके करना साइड, सॉरी साइड थ्रू नेक्स्ट को नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। आपका लास्ट का कट लगा देगा। उसके बाद हम मिरर करेंगे अपने, सॉरी यहाँ पे क्लिक करोगे पॉकेट को, इस पॉकेट मेरा इस पेन के अकॉर्डिंग करना है, इस पेन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी आप फिर हम फ्लैंज यूज़ करेंगे, 5.5 mm की रहेगी, ठीक है। आप जो भी फ्लैंज वगैरह लगा देना चैन पर, वो आप हमेशा लास्ट में लगाएं और जरूर लगाएं। ठीक है, यहाँ से आपका ये हो गया। नेक्स्ट दिस वन इज, ओके, ठीक है। अब हमारा पार्ट कंफर्म, इसको आइसोमेट्रिक व्यू, फिट टू व्यू, ये सब चीज़ ध्यान रखें। जब भी आप पार्ट को बंद करें तो इसको प्रॉपर फिट करके रखें, इसको फॉरवर्ड भी को बंद कर दें। अब पाप अपनी हमारे पास मटेरियल अप्लाई करने की, इसमें हम माइल्ड स्टील का यूज़ करेंगे। माइल्ड स्टील हमारे पास जो है नहीं, तो हम स्टील का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जब आएगा अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। अब क्या आता है हमारे पास, इसकी प्रॉपर्टी ऐड करनी, ठीक है। प्रॉपर्टी पे ऐड किया, हमारा पार्ट नंबर आ गया। रिवीजन हम 00 रखेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या है, हमारा ये व्हील है, यहाँ पे हम व्हील दे देंगे। इसका ओडी है आपका 80 mm। ये डिस्क्रिप्शन आप जैसे कंपनी में यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से देखते हैं, वैसे
काम करते हैं जो बंदे, ठीक है, उनको पता होता है कि आपका ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। कंपनी के अंदर व्हील, हजारों तरह के व्हील बने हुए, बट उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैसा डिस्क्रिप्शन देते हैं वो हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। पर हम यहाँ पे वोल्ट यूज़ नहीं कर रहे, तो हम कोई भी डिस्क्रिप्शन देते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स का मतलब ये होता है कि हम इसको हम अपनी कंपनी के अंदर बनाएंगे या बाहर से परचेज करेंगे। अगर जो हम इसको कंपनी के अंदर बना रहे हैं तो नेट, अदरवाइज जो बाहर से परचेज कर रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन मेल एंड अप्लाई। ओके, ठीक है। सो गाइस, जो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती है, ठीक है, और लाइक द वीडियो। ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप ही सेव करते हैं जो फोल्डर प्रॉपर, और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि आप इसको फिटिंग व्यू में क्यों सेव करें, क्योंकि जब भी आप इसको पार्ट को उठाओगे, सपोज करो कि मैं इसको ओपन कर रहे हैं किसी पार्ट को, ठीक है, राइट क्लिक व्यू एक्स्ट्रा लार्ज, तो आपका ये प्रॉपर बना हुआ आएगा, ठीक है। अदरवाइज जो आप इसको कहीं पे भी क्लिक करें, जैसे यहाँ पे जाके इसको हमने सेव कर दिया, जब हम इसको ओपन करेंगे तो थंबनेल में आपका ये नहीं कर पाएगा, शो नहीं करेगा, ठीक है। ओके, अब इसको सेव कर, स्टॉप।